नाबालिग बच्चा चोर गिरोह की करतूत। आज आम खरीद रहे शैलेंद्र पाटीदार की जेब से की 5110 रुपए की चोरी। नाबालिग बच्चा चोर गिरोह आम खरीद रहे शैलेंद्र पाटीदार की जेब में से 5110 रुपए की चोरी की। उस चोरी के बाद एक नाबालिग चोर को पकड़कर कोतवाली थाने लाए और दर्ज कराई शैलेंद्र पाटीदार ने अपनी शिकायत। बड़वानी में रविवार को हाट बाजार रहता है, इस दौरान भीड़ भी रहती है। इसी का फायदा उठा रहे चोरी करने वाले नाबालिग बच्चा गिरोह। शहर के व्यस्तम पाला बाजार में आज ग्राम गणपुर निवासी शैलेंद्र पाटीदार जो आम खरीद रहे थे, इस दौरान उनके जेब में रखे 5110 रुपए पर नाबालिग चोर बच्चों ने किया हाथ साफ। उसमें से चोर बच्चों में से एक चोर बच्चे को पकड़कर वह बड़वानी कोतवाली थाने में लाए, जहां पर बड़वानी कोतवाली में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। बड़वानी थाना क्षेत्र की घटना उक्त घटना की जांच कर रही है। बड़वानी में लोगों के अनुसार नाबालिग बच्चा चोर गिरोह विगत कुछ माह से हर हाट बाजार में ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। शैलेंद्र पाटीदार कानपुर। आज क्या हादसा, क्या घटना? सर, मैं बाजार में मार्केट में गया था सामान खरीदने, पाला बाजार में, तो मेरे जेब में से 5110 रुपये निकाल लिए गए। सर, किन लोगों ने निकाले? ये छोटे बच्चे थे सर, तीन बच्चे थे, एक मिल गया है, दो भग गए। क्या आप आम खरीद रहे थे उसी समय? हाँ सर। क्या कहोगे इस तरह की घटनाओं को लेकर अनजान लोगों के साथ में? तो नहीं होना चाहिए सर ऐसी घटनाएं। एक तो हम परेशान हैं, छोटे आदमी हैं सर। काम से आया था? हाँ सर, मैं ट्रीटमेंट भी करवाने आया था मैडम की, और सामान भी खरीदना था। हाँ सर, हाँ सर। नशे से आज़ादी पखवाड़े का हुआ समापन। बड़वानी कोतवाली परिसर में टीआई शंकर सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में नशा नहीं करने की दिलाई गई शपथ। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकना है। वहीं आज बड़वानी थाना परिसर में पैरालीगल वॉलंटियर और काउंसलर अनिता चोयल जी के द्वारा टीआई शंकर सिंह रघुवंशी में नशा नहीं करने की पुलिस स्टाफ व उपस्थित लोगों के द्वारा शपथ दिलवाई गई। नशा करने से जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसकी जानकारी वहां उपस्थित लोगों को काउंसलर अनिता चोयल के द्वारा दी गई। मेरा नाम श्रीमती अनिता चोयल, मैं यहां पर काउंसलर हूं, साथ ही शासकीय अध्यापिका हूं। आज ये कोतवाली थाने पर क्या सफर? 12 जून से 26 जून तक नशे से आज़ादी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी ग्रामों में और कॉलेजेस में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और उसका समापन हुआ और सभी को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाई गई। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।